यो बढ़िया, आपका स्वागत है एनिमे वाइब्स में। तो दोस्तों, क्या आपको पता है सिंचैन मूवी विलन दुल्हन में जिस मशीन का यूज किया था तामिको ने पास्ट में आने के लिए, वो एक टाइम मशीन है ही नहीं, और ना ही सिंचैन बड़ा होकर तामिको से शादी करेगा। और आप सबको पता है सिंचैन के पास एक सुपर पावर है। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारे सिंचैन के पास एक सुपर पावर है। और वो पावर कौन सी है और उसको वो पावर कैसे मिली, आपको वीडियो में पता चलेगा। तो कुल मिलाकर आज की वीडियो होने वाली है एकदम धांसू। तो फिर अब और बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात कि ये कैसे एक टाइम मशीन नहीं है, क्योंकि हमें मूवी में साफ साफ दिखाया गया है कि बड़ा सिंचैन तामिको से कहता है कि मुझे 5 साल वाला सिंचैन चाहिए, जिसके बाद तामिको उसी मशीन का यूज कर पास्ट में यानी कि 5 साल वाले सिंचैन के पास आती है और उसको और उसके दोस्तों को फ्यूचर में लेके चली जाती है, जिसके बाद हमें सभी का फ्यूचर दिखाया जाता है। जैसे कि मसाओ एक गरीब स्टोर का ओनर होता है जो कि साइड में कॉमिक राइटर भी होता है, पर उसकी कोई भी कॉमिक चलती नहीं है। और नैनी अपने ही किंडन गार्डन स्कूल में नर्सरी की टीचर बन जाती है, और अपना कजामा तामिको के डैड का मैनेजर होता है। तो नाउ बैक अप पॉइंट कि ये कैसे एक टाइम मशीन नहीं है। तो देखो यारो, इस मूवी के लास्ट सीन में, मेरा मतलब है जब मूवी एंड हो जाती है और सिंचैन प्रेजेंट में वापस आता है, तो टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है कि धरती पर म्यूट्रॉइड गिरने वाला है, जिसको देखने से यही लगता है कि जैसा फ्यूचर में म्यूट्रॉइड गिरने से अंधेरा हो गया था वैसा ही होने वाला है। पर तभी टीवी में न्यूज एंकर बोलता है, हमारे वैज्ञानिकों ने फिर से कैलकुलेशन यानी कि गणना करी है और बताया है कि म्यूट्रॉइड धरती के पास से गुजर जाएगा, यानी कि म्यूट्रॉइड धरती पर नहीं गिरेंगे। तो फिर इसका मतलब फ्यूचर पूरी तरह से बदल जाएगा, या यूं कह सकते हैं कि दो डायमेंशन अब बन गए। पहला वो डायमेंशन जिसमें हमारा सिंचैन रहता है, जिसमें धरती पर म्यूट्रॉइड नहीं गिरे, जो कि डायमेंशन 1 है, और दूसरा वो डायमेंशन जिसमें म्यूट्रॉइड से अंधेरा हो जाता है, फ्यूचर सिंचैन वाला डायमेंशन यानी कि डायमेंशन नंबर 2। क्योंकि अगर धरती पर अंधेरा नहीं होगा तो सिंचैन के डैड की जॉब नहीं जाएगी, और मसाओ शायद गरीब नहीं होगा, नैनी को किंडन गार्डन में टीचर नहीं बनना होगा, और शायद सिंचैन और तामिको भी मिल नहीं पाएंगे। कब से बकबक कर रहा है, ये बताना कि आखिर ये टाइम मशीन क्यों नहीं है। हाँ भाई, बता रहा हूँ। तो ये एक टाइम मशीन नहीं बल्कि एक डायमेंशन पोर्टल मशीन है। जी हाँ, आपने सही सुना, और इसका आप सबको मैं प्रूफ भी दूंगा कि ये कैसे एक टाइम मशीन ना होकर एक डायमेंशन पोर्टल मशीन हुई। जिसका सबसे पहला प्रूफ है कि जब सिंचैन वापस आता है तो टीवी में न्यूज से हमें पता चलता है कि म्यूट्रॉइड नहीं गिरे, जिसके चलते फ्यूचर में अंधेरा होने वाला था। दूसरा प्रूफ कि सिंचैन वापस आता है तो उसके पास टाइम मशीन होती है। पर क्या लगता है आपको कि फ्यूचर सिंचैन ने वो टाइम मशीन 5 साल वाले सिंचैन को ऐसे ही दे दी, जिससे शायद सिंचैन कुछ गड़बड़ कर सकता है? पर ऐसा नहीं है, फ्यूचर सिंचैन ये जानता था कि ये एक टाइम मशीन नहीं है और छोटा सिंचैन इसका यूज नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम पोर्टल को सिर्फ डायमेंशन 2 में ही यूज कर सकते हैं, या फिर डायमेंशन 2 का कोई शख्स ही उसको यूज कर सकता है। जिसका हमें तब पता चलता है जब सिंचैन अपने मॉम डैड को दिखाने के लिए उस मशीन का यूज करता है, तो वो नहीं चलती क्योंकि वहां पर डायमेंशन 2 का कोई शख्स नहीं होता, और ना ही वो डायमेंशन 2 होता है। आई होप सो, अब आप लोग समझ गए होंगे कि सिंचैन विलन दुल्हन मूवी में दो डायमेंशन हुए, एक वो डायमेंशन जो सिंचैन का फ्यूचर था जिसमें म्यूट्रॉइड गिरा था, और दूसरा वो जिसमें म्यूट्रॉइड नहीं गिरा। समझ ही गए होंगे। पर अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया है तो मैं तीसरा प्रूफ आप सबको फेंक के मारता हूँ, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। आप सबने सिंचैन मूवी हाइबुरे वर्सेस एक्शन कामिन को तो देखा ही होगा, जिसमें साफ साफ हमें ये दिखाया गया है कि एक्शन कामिन एक दूसरे डायमेंशन का सुपर हीरो है, और सिंचैन के इस डायमेंशन में वो एक एक्टर बनकर आया है। पर जब हाइबुरे उस पर अटैक करता है तो उसका एक्शन स्टोन छीन लेता है, जिसके कारण वो अब वापस अपने डायमेंशन में नहीं जा सकता। और आप सबको तो ये पता ही होगा कि फ्यूचर सिंचैन भी एक्शन कामिन ही बना होता है मूवी में, शायद रियल वाले एक्शन कामिन ने ही उसे ये एक्शन स्टोन दिया हो ताकि वो उसका यूज करे और अंधेरा को मिटा सके। और आप सबको तो पता ही है कि वो एक्शन स्टोन का यूज करके एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाया जा सकता है। तो फिर इसका मतलब साफ है कि ये एक टाइम मशीन नहीं बल्कि एक टाइम पोर्टल है। आई होप सो, अब आप लोग को ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो फिर फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि मेरा गला बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। बाकी चीजें जो मैंने इंट्रो में बताई थी वो मैं इसके सेकंड पार्ट में बताऊंगा, तो इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा, बहुत ही जल्दी से मेरा मतलब है कल रात 10 बजे तक आ जाएगा।
पर इसका सेकेंड पार्ट कल मैं तभी अपलोड करूंगा जब इस वीडियो में कल शाम तक 500 प्लस लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। तो फिर इस वीडियो में कल रात 10 बजे तक 500 प्लस लाइक्स हो जाने चाहिए। तो फिर वीडियो को जल्दी से लाइक करो ताकि इसका सेकेंड पार्ट जल्दी आ सके, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और साथ ही साथ आप सब लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो फिर मैं आप सबसे मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा। My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.